Dawn Express. Aina Sashka. डॉन एक्सप्रेस में आप सबको हार्दिक शुभकामना है। आशा है आप सब सुखी और स्वस्थ होंगे। राजभवन से मंगलवार को जारी बयान से ये जानकारी मिली, अमरनाथ यात्रा 2020 को कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए रद्द कर दी गई है। बयान में कहा गया है कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने काफी दुख के साथ ये निर्णय लिया है कि इस वर्ष अमरनाथ यात्रा आयोजित और संचालित करना सही नहीं है। बयान के अनुसार बोर्ड लाखों श्रद्धालुओं की भावनाओं को आदर करता है, धार्मिक भावनाओं को बनाए रखने के लिए बोर्ड प्रातो और सांध आरती का सीधा प्रसारण करेगा। इसके अलावा पारंपरिक रीति रिवाज पहले की तरह की जाएगी। इसके अलावा छड़ी मुबारक की सुविधा भी सरकार द्वारा दी जाएगी। SASB की अध्यक्ष उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने मंगलवार को 39वीं बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें यात्रा आयोजित करवाने के बारे में सदस्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। बोर्ड ने 13 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की चर्चा की, जिसमें यात्रा करवाने का निर्णय राज्यों में कोरोना की स्थिति का जायजा लेने के बाद प्रशासन सरकार पर छोड़ दिया गया था। बयान के अनुसार बोर्ड को बताया गया कि फरवरी 2020 से अरेंजमेंट सही रास्ते पर है, लेकिन महामारी के चलते राज्य कार्यकारी समिति ने धार्मिक स्थलों को लगातार बंद रखने की फैसला किया है। ये पाबंदी 31 जुलाई तक जारी रहेगी। वही अगली खबर, इमाम सैयद अहमद बुखारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जामा मस्जिद की इमाम ने घोषणा की है कि इस साल ईद उल अजहा का वर्ष 1 अगस्त यानी शनिवार को मनाया जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आज चांद नहीं दिखा गया है। दिल्ली की फतेहपुर मस्जिद की सही इमाम मौलाना मुफ्ती मकरम ने कहा, दिल्ली समेत भारत में कहीं भी चांद नजर नहीं आया है। बकरीद 1 अगस्त वो रोज शनिवार को मनाई जाएगी। दिल्ली में आसमान साफ नहीं था, लेकिन तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में जहां आसमान साफ था वहां से भी चांद नहीं दिखा है। इस बीच मुफ्ती मकरम ने कहा, मुस्लिम समुदाय के जिन लोगों के पास करीब 612 ग्राम चांदी या उसके बराबर के पैसे है, उन पर कुर्बानी भावी है। इसके अलावा इमारत ए रसिया हिंद ने भी ऐलान किया है कि ईद उल अजहा का पर्व 1 अगस्त को ही मनाया जाएगा। इमारत ए रसिया हिंद की रुयत ए हिलाल समिति की सचिव मुहाजुद्दीन अहमद ने एक बयान में कहा कि दिल्ली में चांद नहीं दिखा है, न देश के किसी हिस्से से चांद नजर आने का कोई खबर है। उन्होंने कहा कि इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने जिलहिज्जा की पहले तारीख 23 जुलाई को होगी और ईद उल अजहा 1 अगस्त को मनाई जाएगी। वही अगली खबर, चीन की वुहान शहर से उत्पन्न होने वाला 2019 नोबेल कोरोना वायरस ऐसी समूह की वायरस का एक उदाहरण है जिसका संक्रमण सन 2019-2020 काल में तेजी से उभर कर 2019-2020 वुहान कोरोना वायरस प्रकोप के रूप में फैलता जा रहा है। हाल ही में WHO ने इसका नाम COVID-19 रखा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ लड़ाई को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को निर्देश दिया तो दिल्ली भाजपा नेतृत्व नाराज था, लेकिन प्रधानमंत्री के दिमाग में एक योजना थी। वो देश को बताना चाहते थे कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जो वो एजेंसियों द्वारा शासित है, ने सामुदायिक रूप से कोरोना का मुकाबला किया। मुंबई चेन्नई समेत अन्य शहरों को पीछे छोड़ते हुए दिल्ली भारत की कोरोना राजधानी बन गई थी। मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से स्थिति की नियंत्रित करने के लिए आपके साथ मिलकर कोरोना की लड़ाई लड़ने की आह्वान किया। इससे पहले अमित शाह काफी समय से गायब था। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से समन्वय स्थापित कर अग्रिम मोर्चे पर कार्य करते दिखाई दिए। उन्होंने उपराज्यपाल को निर्देश दिया, जो कि इस समय यात्रा पर गए हुए थे, और उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए भाजपा के सभी शीर्ष नेताओं को भी बुलाया। हालांकि कोरोना महामारी संभालने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय नोडल एजेंसी नहीं है। आपदा प्रबंधन अधिनियम स्पष्ट रूप से कहता है कि प्राकृतिक आपदाओं और मानव निर्मित आपदाओं के लिए प्रतिक्रिया, राहत और तैयारी के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिम्मेदार है, जो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करेगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वेबसाइट के अनुसार भी अमित शाह ने NDMA के सदस्य नहीं है। हालांकि आपदा प्रबंधन अधिकरण ने 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साइट चेयरमैन के साथ 9 सदस्यों निकाय प्रदान किया था। इसके 5 सदस्य हैं GVV शर्मा, कमल किशोर, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता इसनेन रिटायर्ड राजेंद्र सिंह और किशोर अवस्थ। ना ही प्राधिकरण का कोई उपाध्यक्ष है,
फिर भी प्रधानमंत्री ने अमित शाह को कमान अपने हाथ में लेने के लिए कहा और 3 से 35 दिनों के भीतर दिल्ली में कोरोना वायरस की दृश्य बदल गया। इस दौरान मामले 5,000 प्रतिदिन से घटकर 1,000 प्रतिदिन से कम हो गए और मौत भी कम हो गई। इसके बाद दिल्ली भाजपा मुख मोड़ में चली गई है और केजरीवाल कोरोना युद्ध से विजेता के तौर पर मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन रुको, ये प्रधानमंत्री है जो दुनिया को बताएगी कि राष्ट्रीय राजधानी कोरोना मुक्त है। वही अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को देश की तमाम बाल आश्रम गृहों को दिए जाने वाले फंड के बारे में जानकारी देने के लिए कहा। जस्टिस एल नगेश्वर राव की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने ये बात कही है। साथ ही केंद्र सरकार से ऑडिट की स्थिति भी बताने के लिए कहा है। सरकार को 2 हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है। वही अगली खबर, कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर के देश परेशान है। लगभग सभी देशों में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ती ही चला जा रहा है। ऐसे में सोमवार को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा AZD1222 नामक कोरोना की वैक्सीन तैयार करने की खबर सामने आई थी। वहीं अब यूनिवर्सिटी द्वारा इस बात की खुलासा किया गया है कि वैक्सीन भारत में कब तक प्राप्त हो सकेगी। बताते चले, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा COVID-19 की वैक्सीन निर्मित करने की दावा किया गया था। इतना ही नहीं, उसके ह्यूमन ट्रायल की सफल परीक्षण को लेकर भी खबरें सामने आई थी। हालांकि इसके अगले चरण का ट्रायल होना अभी बाकी है, परंतु अब तक हुए सारे ट्रायल में ये कोरोना वैक्सीन सफल रही है। यदि ये अपने अगले चरण में भी सफल हो जाती है तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा तैयार किया गया AZD1222 कोरोना वायरस की वैक्सीन नवंबर तक भारत में उपलब्ध हो जाएगी। बता दें कि इस वैक्सीन की कीमत ₹1,000 प्रति वैक्सीन होगी। वहीं अगली खबर, पाकिस्तान से भारत ले गई मूक बधिर गीता 5 साल से इंदौर की मूक बधिर संगठन के आश्रम में रह रही थी। सोमवार को उन्होंने अपनी इच्छा से वो जगह छोड़ दी। अब वो इसी शहर में विजयनगर स्थित आनंद सर्विस सोसाइटी के साथ रहने आ गई। सामाजिक न्याय विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें अपनी निगरानी में विजयनगर में सोसाइटी के हॉस्टल में छोड़ा। गौरतलब है कि गीता भारत को ही बताई जाती है। पाकिस्तान में वो इदी फाउंडेशन के साथ रह रही थी। वर्ष 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज उससे लेकर भारत आई थी। गीता को भारत इसलिए लाया गया था कि उसकी माता पिता को तलाश कर उसे वहां पहुंचाया जाएगा। वहीं अगली खबर, अमेरिका ने चीन के पश्चिम प्रांत सिंजियांग में मानवाधिकारों को उल्लंघन करने वाली 11 चीनी कंपनियों को एक समूह पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका वाणिज्य मंत्रालय ने इन सभी कंपनियों को काली सूची में डाल दिया। इस तरह करीब 50 चीनी संस्थाओं को इस सूची में शामिल हो गए। ने अमेरिका प्रौद्योगिकी व अन्य वस्तुओं तक पहुंच बनाने से रोक दिया गया है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक ये कंपनियां अपने उत्पाद तैयार करने के लिए क्षेत्र में 10 लाख उइगर मुस्लिमों का जमकर शोषण कर रही थी। इनमें से कई टेक्सटाइल कंपनियां हैं, जबकि 2 कंपनियों ने उइगरों पर अपने उत्पादों का परीक्षण भी किया था। काली सूची में डाली गई कंपनियां अब अमेरिका सरकार की अनुमति के बिना देश से कोई कलपुर्जा तक नहीं खरीद सकेगी। वही अगली खबर, कोरोना संकट के बीच भी भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, बल्कि ऐसे समय भी लोग दूसरे का हक मारने के लिए लगा हुआ है। एक तरह सरकार मनरेगा योजना MGNREGA को ग्रामीण और प्रवासी मजदूर के लिए वरदान बता रही है, वहीं दूसरी तरफ योजना में मुर्दे के भी मजदूरी दिए जाने और 6 दिन का मजदूरी का भुगतान किए जाने का अजीब गरीब मामले सामने आया है। मामला मध्य प्रदेश का है। वही अगली खबर, स्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus आज अपने OnePlus Nord स्मार्टफोन से पर्दा हटाएगी। OnePlus Nord को एक और लॉन्च इवेंट पे लॉन्च किया जाएगा। इवेंट शाम 7:30 बजे शुरू होगा। फ़ोन की प्री बुकिंग पहले से ही Amazon पर शुरू हो चुकी है। डिवाइस को देश में Amazon OnePlus स्टोर और दूसरे पार्टनर स्टोर पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। OnePlus Nord के बस वेरिएंट की कीमत ₹30,000 की आसपास रहने की उम्मीद है। कंपनी ने अपने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर पहले ही पुष्टि कर दी है कि आने वाले 5G OnePlus फोन में क्या फीचर्स दिया गया है। टीजर को देखे तो OnePlus Nord देश में लॉन्च होने वाला सबसे किफायती 5G स्मार्टफोन होगा। वही अगली खबर, कोरोना वायरस के इस संक्रमण काल में काफ़ी बदलाव भी नजर आ रहा है। ऐसे में अधिकांश चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। बच्चों की स्कूल कॉलेज भी बंद है। ऐसे में पठन पठन भी ऑनलाइन हो रही है। बच्चों की सभी कक्षाएं ऑनलाइन चल रही है। जाहिर है ऑनलाइन कक्षाएं के लिए मोबाइल की ज़रूरत होती है। ऐसे में इसका असर बाज़ार पर भी दिख रहा है। खासकर मोबाइल की बिक्री में काफ़ी उछाल आया है, जिसमें मोबाइल फ़ोन को
बिक्री 30 से 40% बढ़ी है। वही अगली खबर, चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi ने सोमवार को 4GB रैम और 64GB स्टोरेज और क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ Redmi Note 9 को भारत में 11,999 रुपये में शुरुआती दाम में लॉन्च किया। फोन में 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज विकल्प भी है, जिसका कीमत 13,499 रुपये होगी, जबकि 6GB रैम और 128GB स्टोरेज का वेरियंट की कीमत 14,999 रुपये होगा। साबार, डेली हंट, डेली होम, धन्यवाद, द डॉन एक्सप्रेस।